अब तू रो मत, पहले खाना खा ले चल, पहले खाना खा ले चल। वेलकम बैक टू माई व्लॉग। सो गाइज देखो, मैंने कैप पहन लिया, आप भी पहन लो, ठंड बहुत पड़ रही है, फैशन में कुछ नहीं रखा। और आज हमारे पतिदेव का बर्थडे है, आज है 3 जनवरी, और नए साल में पहला जो बर्थडे पड़ा है वो हमारे पतिदेव का पड़ा है। लड़कियों ने हमारी नए तैयारियां करी थी, उनकी तीन परियों ने, पापा की परियों ने। मैं दिखाती हूँ कि क्या हुआ था। ए, तुम यहाँ के बैठ गई, केक वेक नहीं काट रहे? वो नहीं काट रहे वहाँ पे? अरे वो सुबह से काम करके आए, अभी उनको सोने दो। ओहो, काम करके आए तो अभी की सजाया है, सुबह सजा देती हैं इसे। अब जैसे देखो, अब उठेंगे उन्हें सरप्राइज नहीं मिलेगा। ओह सरप्राइज हो पाएगा गाइस, वो तो उठते हैं बहुत जल्दी, 6 बजे। अच्छा, हम देर से उठने वाले हैं। अच्छा, तो सरप्राइज दे रहे हो। हाँ। तो उठ, जगना तो आपको ही पड़ेगा पहले कहने। हाँ, के लिए हम यही सोच रहे हैं कि वो 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं अब आपको ये दिखाऊंगी कि उन्होंने 5 बजे विश कैसा किया। चलो, इसके अंदर बैठी हुई हैं दोनों तीनों देवियां। होगा पहला प्लान तो तुम्हारा फ्लॉप हो गया सारा, तुम्हारे पापा तैयार होके गए भी, जो उठी हो ना, इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? उठते नहीं, वो काम पे ना जाए हैं, वो घर पे बैठे रहे तुम्हारी तरह ही। तुम्हारी तो छुट्टियां चल रही हैं, उनकी छुट्टियां नहीं है। दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा, पर पापा ने तो ये सब देख लिया। ये तो उन्होंने देख लिया। अब तो शाम को आएंगे। ये देखो, सोई तो ऐसे थी, 3 बजे उठेंगे, 4 बजे अलार्म लगा लगा के कान फोड़ दिए मेरे। वो उठने, मैंने जब उठाया तो बंदी उठी नहीं। तो गैस, पापा की जो परियां हैं वो टेंशन में बैठी हैं कि हम पापा को विश नहीं कर पाए। तो मैंने उनसे बोला अब क्या करोगे, कि हम प्लान बी बनाएंगे, पापा को अच्छे से विश करेंगे। अब देखो वो क्या करती हैं, हम भी प्लान बनाते हैं खाना बनाने का, हम बनाएंगे। तो ये देखो, मिक्स वेज की सब्जी बन गई है, और ये मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ, दाल और चावल। अरे भाई, कैसे लड़ाई हो रही है, नीचे तक आवाज आ रही है, क्या दिक्कत आ गई? ए, क्या हुआ? गाइस हम पढ़ रहे हैं, मेरा फोटो बग हो गया, छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई? तुम दोनों लड़कियों ने इस लड़के को बेचारे को परेशान कर रखा है। की को बेटा, रो रहा है तू? क्यों रो रहा है? क्या हो गया? क्या हुआ मुझे बता, क्या बात हो गई? क्या बात? कुछ नहीं कह रहा। तुम दोनों छेड़ रही हो ना इसको। अकी, क्या हुआ मुझे बता। दीदी ने इसका होल्ड बग करवा रही है, कह रहा मैं ये नहीं करूंगा। दीदी गई फिर रीडिंग कर ले, रीडिंग कह रहा मैं ये नहीं करूंगा, मेरे को कोई और काम दे दो। ये दीदी गई मैं ये चैप्टर समझाऊंगी, कह रहा नहीं। तो कोई बात नहीं, और कोई काम की कह रहा वो पढ़ा लो, पढ़ने से मतलब है ना। चलो आज इसको, अब इसका मन नहीं है उसका रीडिंग का, तो वैसे करवा लो। रीडिंग का मन का नहीं कह रहे, हम कह रहे कि मैं चैप्टर पढ़ा दूंगी। इसका साइंस बहुत वीक है, साइंस पढ़ना है तेरे को? क्या तेरा मन क्या है पढ़ने का इस टाइम, ये बता। सुनो, अब चुप हो जाओ, ये बता तुझे क्या पढ़ने का मन है, तू रो मत। ये बता क्या मन है, तू चुप रह, तू आगे मत बोला कर, तू हट जा। क्यों रो रहा है? मेरा काम सारा हो गया, होल्ड होमवर्क हो गया, छुट्टियों में गाइस छुट्टियां पड़ गई, होल्ड होमवर्क हो गया, और मेरा ट्यूशन काम हो गया, ट्यूशन का टाइम हो जाए।
तो मैं बोली मैं दीदी देखने जा रही हूँ, मैं हो गया तो कह रहा है। हाँ ये दोनों बहनें ज्यादा होशियार बन रही है, लड़के को पागल समझ रही हैं ये। सुन तुझे मेरी भी छुट्टी कर दो। चल ठीक है अब बता, तुझे जिसका तेरा मन कर रहा है ना पढ़ने का वो किताब पढ़। वो वाला सब्जेक्ट लिया, मैं वो वाला सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। अभी एक घंटे तू पढ़ ले जो तुझे पढ़ना, उसके बाद पापा का तेरे का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है थोड़ी देर पढ़ ले। हाँ फिर तो जगह ट्यूशन जाएंगे। ट्यूशन 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 कितने बजे जाना है? 4:30 का है तो हम तो शाम को करेंगे ना सेलिब्रेट। शाम का तो प्लान बनाना ना तुम। अरे पढ़ ले बेटा, पढ़ाई बिना कुछ नहीं है। अब तू रो मत, पहले खाना खा ले। चल पहले खाना खा ले, चल चल पहले खाना खा ले। झूला झूलते झूलते रो गए। क्या बोल रहा है बताइयो? बड़े मम्मी मैं ट्यूशन से आ गया हूँ और अब चलो पार्टी की तैयारी करते हैं। ये देखो आते ही इसकी पार्टी आवाज देख रहे हो, इसकी मुस्कान देख रहे हो कैसे एकदम हो गई है। ये देखो पता है यहाँ पे पार्टी की तैयारी शुरू हो गई है जोरों शोरों से। हाँ हाँ खोलो ना मैं दिखाऊंगी। एंट्री नहीं है आपकी, एंड रिजल्ट ही दिखेगा। ये तैयारी चली, चल गाना चलाएंगे। ये जैसे मैं ये कहूँ ना कटप्पा, मैं भी चालू जाना। ठीक है गाइस, कैमरे में वो अंदर की तरफ आ गए और देखो 10 बज रहे हैं, आज हो गए लेट और ये देखो आ गए। तो गाइस हमारे पति देव आ गए। आज कैसे लेट हो गए? काम थोड़ा सा चल रहा है, लड़कों ने दिक्कत कर दी। पानी मेरे से ले लो, कम होगा इसमें? नहीं कोई लेके आऊँ क्या पानी? नहीं बस है। और बच्चे सब सो गए 10 बजे में, वो कृष्णा की तबीयत खराब है। क्या हुआ? पता नहीं लेट ही हुई आज। आपको पता है सुबह भी इन्होंने तैयारी करी थी लेकिन तुम चले गए तो इन्होंने दोबारा फिर दोबारा तैयारी करी है। इन्होंने फिर दोबारा से प्लान किया। बम्पर मुझे नहीं आता था, बम्पर करेंगे ऐसे। ऐसी तैयारी करते हैं बच्चे। ये मेरे बेटे ने बनाया मेरे लिए। ओह वाओ वाओ, हैप्पी बर्थडे पापा जी। ओके ये है रावलिया के मालिक की बेल्ट, अगर वो जिम से लेट आए तो इससे मारना। रावलिया के मारने की ये जिम से लेट आता ना बेल्ट वाला था। हाँ और दूसरा गिफ्ट। हाँ अब क्या है दूसरा, क्या लाया है, कितने गिफ्ट लेके आया है? चश्मा पहनते रहते हो लोग, तुमको शौक है ना चश्मे का, इसलिए तुम्हारे लिए लेकर आए। और ये लो आज माला, तुम हमेशा पाद मारते रहते हो। पाद मारते बच्चे ये नहीं बताते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। ये लो तुम्हारे, मेरी वजह से तुम दुखी रहते हो, तो लो मेरे लिए स्प्राइट हो भी एक नहीं, दो दो कि तुम क्या बात, क्या बात, परेशान ताकि खुश रहो इसलिए। एक बार सुनिए गाइस, मेरी बेटी मेरे गिफ्ट लाई है, मैं गिफ्ट तो सबके सामने खोलना चाहता हूँ। अपने गिफ्ट है। ओह माय गॉड, वाओ, सबको पता है ना तुम्हें पसंद है, इसको फिर पहन लो। अच्छा लेकर आइए, ये बच्चे का है। वेरी नाइस, ये सारी लगा लो ऊपर, हटाना मत भाई। किसी और को भी सेवा देनी है भाई, आपने अपने गिफ्ट लेकर आए हो, लायो। हाँ। लेकिन हम अभी नहीं दिखाएंगे उसे, हम जब दिखाएंगे, जब जो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर वो चाहेंगे कि भाई ये लोग क्या क्या गिफ्ट लेकर आए, कमेंट्स में बोलेंगे, तो मैं एक ब्लॉग स्पेशली
सिर्फ इसी का ही बनाऊंगी कि क्या क्या इनको गिफ्ट मिला है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे हम, इंजॉय डांस म्यूजिक। गाइस यहाँ चल रही है पार्टी, ऐसी कोई हाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना आई हो। यहाँ पे इनका खाना चल रहा है। ये तो पसंद नहीं है तेरे पापा को क्या ये सामान? हाँ मतलब पापा के लिए फिर रोटी बना तो रही है मम्मी, पापा अम्मा बाबा सबके लिए मम्मी यहाँ पे बॉय के लिए रोटी, रोटी है ना वो बाहर की चीज। नो रोटी, आज रोटी नहीं, आज पूरी कचौड़ी है। पूरी कचौड़ी, कचौड़ी अम्मा की डिमांड पे क्योंकि अम्मा को पसंद है, और शाही पनीर की सब्जी उनको पसंद है, पूरी सब्जी, और ये बाहर का सामान ये हमको पसंद है, बच्चों को मुझे खीर पसंद है, खीर नहीं बनाई। खीर गाइस कुछ मीठा, खीर गाइस उनका शुगर है और शुगर की वजह से देखो गाजर का वो कितना खा चुके हैं। ये मैंने कल ही बनाया था, ये देखो कितना सारा गाजर का वो, ये बच गया ये सारा। ओ शिट, ये मैंने बचाया है, दुबका के रखा हुआ है। एक तो शुगर वालों की बड़ी दिक्कतें हैं गाइस, यही तो। और पापा कहाँ है बर्थडे बॉय? वो मैं बताऊंगी, वो अपने पापा, वो अपने मम्मी का पापा का आशीर्वाद लेने गए नीचे। अच्छा, इनको क्या हो गया? टेंशन में कैसे चलो, टेंशन हो गई क्या क्या खाऊं। मुझे बताते आइटम इतने सारे आ रहे हैं तो मैं दाल चावल तरह खाता, यही दिक्कत है दावत में होती है। अच्छा, दावत में जाओ तो क्या होता है, दावत नहीं पार्टी, पार्टी में जाओ शादी, भैया हम इंडियन हम दावत में जाते हैं, हम दावत होते हैं वहाँ पे क्या है जाते हैं ना भाई, आप भी बताना चीज आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो मैं कभी जाता हूँ तो क्या हम सब कुछ देख लेंगे आइटम, और जब प्लेट लेते हैं तो थोड़ा राइस जरूर लेते हैं, और राइस लेते हैं दाल मखनी भी ले लेते हैं, वो जैसे मिक्स होती है हम देखते देखते खाते हैं, इतने पता था पेट भर गया बाकी आइटम खा ही नहीं पाते।
यार हलवा खाए ना खाए, चावलों से बहुत जल्दी पेट भर जाता है और खाली भी वो जल्दी होता है। हाँ खाली वो जल्दी, जैसे घर तक आते हैं पेट खाली, फिर घर वाले जब भूख लगे घर वाले फिर लड़ती है। जब तुम शादी में गए हो खाना खाने गए हो ये लगा लो, फिर शादी से आने के बाद घर पे दूध ब्रेड तो खाने का। ये किस किस के घर होता है कि मतलब दावत से घर अपने जाते हैं तो कौन ब्रेड और दूध पीता है, मतलब भूखा कौन है दावत में। ओए रुको ये थोड़ा थोड़ा आइटम रोक लो ना, मैं हो सकता है थोड़ा सा माल पानी कम करके आऊं। Thank you.